दिस इज़ पुरु जनुथरिया, आप सुन रहे हैं पुरु द स्टोरी टेलर। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है द लायन एंड द रैबिट। ठीक है, अपन इसके माध्यम से इंग्लिश सीखेंगे, एक एक वर्ड का ट्रांसलेट करेंगे अपन, तो इससे आपको इंग्लिश सीखने में भी मदद मिलेगी और कहानी के साथ एंजॉय करेंगे। ओके, तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी वंस मतलब एक बार, देयर वहाँ, वॉज था, लायन अ लायन एक शेर, इन मतलब मैं, द जंगल मतलब जंगल में एक शेर था, हु जो यूज्ड उसकी आदत थी टू किल मारना, टू टू थ्री एनिमल्स दो से तीन जानवर डेली रोजाना, फोरेज मील अपने खाने के लिए। ठीक है, ऑल सारे एनिमल्स जानवर वेंट टू हिम उसके पास जाते थे, टू टेल उसको बताने, दैट डेली वन ऑफ देम विल कम टू हिम फोरेज मील, कि मतलब वेंट मतलब गए थे टू हिम टू टेल उसको बताने के लिए, दैट कि डेली वन एक ऑफ देम उनमें से एक विल मतलब आएगा फ्यूचर कम, ठीक है, उसके पास आएगा टू हिम फॉर हिज मील, इसका मतलब है कि डेली उनमें से एक जानवर तुम्हारे पास आ जाएगा लेकिन तुम डेली के दो से तीन मत खाओ। ठीक है, सो द लॉयन एग्रीड, द लॉयन शेर एग्रीड राजी हो गया, एंड और दिस स्टार्टेड ये सब स्टार्ट हो गया, गोइंग फॉर मैनी डेज, ठीक है, गोइंग चल रहा था फॉर मैनी डेज बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से, वन डे एक दिन इट वॉज रैबिट टर्न, एक दिन इट वॉज ये दिन था रैबिट का टर्न था, टर्न मतलब वारी थी, रैबिट मतलब खरगोश, वॉज मतलब था, टर्न वारी, वैन जब ही वॉज वह गया मतलब ही वॉज वह था, ऑन हिज वे वो अपने रास्ते पर था, ऑन पर हिज वे रास्ते पर, ही सो उसने, ही मतलब उसने, सो मतलब देखा पास्ट में, ठीक है, देखा, सी सी होता है फर्स्ट प्रेजेंट, सो होता है पास्ट, ठीक है, सो तो उसने देखा ए वेल एक कुआ देखा, ठीक है, नाउ नॉर्मल अब ही वह प्लान्स उसने एक प्लान किया टू किल मारने का, द लॉयन लॉयन को मारने का, एंड सेव हिमसेल्फ और अपने आप को बचाने का, सेव मतलब बचाना, हिमसेल्फ मतलब खुद को, ही वेंट टू लॉयन वह ही वह वेंट गया टू लॉयन शेर के पास, एंड टोल्ड हिम और उसको बताया, टोल्ड मतलब बताना, हिम मतलब लॉयन को, हिम उसको, दैट कि देयर वहाँ पर इज एनोदर, वहाँ पर क्या, एक दूसरा, एनोदर लॉयन, ठीक है, एक दूसरा लॉयन, हु वह क्लेम कर रहा है, क्लेम्स मतलब क्लेम कर रहा है मतलब वो जता रहा है, हक जता रहा है, टू बी मोर पावरफुल कि वह ज़्यादा पावरफुल है देन हिम, टू बी मोर, मोर मतलब ज़्यादा पावरफुल मतलब शक्तिशाली देन हिम, कि मुझे रास्ते में एक शेर मिला है, वो बोल रहा है कि वो उस शेर से ज़्यादा पावरफुल है, तो शेर को गुस्सा आता है, देन लॉयन आस्क, देन मतलब तब लॉयन शेर आस्क उससे पूछता है, द रैबिट टू टेक हिम टू दैट लॉयन कि उसे उस शेर के पास ले चलो, द रैबिट खरगोश टेक्स हिम टू द वेल उसे कुएं के पास ले जाता है, ठीक है, एंड सेड और कहता है ही लिव्स हियर वो यहाँ रहता है, लिव्स मतलब रहना, ठीक है, ही मतलब वहाँ और हियर मतलब यहाँ पर, ठीक है, व्हेन जब द लॉयन शेर लुक्ड मतलब देखता है इन द वेल पानी की तरफ देखता है, ही मतलब वह सो देखता है हिज ओन रिफ्लेक्शन वह अपनी परछाई, रिफ्लेक्शन मतलब परछाई को देखता है, एंड जम्प्ड और कूद जाता है इन द वेल कुएं में, ठीक है, एंड डाइज और मर जाता है पानी में कूदने की वजह से मर जाता है वो। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, मोरल है विजडम विंस माइट, तो बुद्धिमत्ता से जीता जा सकता है या बुद्धिमत्ता ही जीती जाती है। ओके, तो थैंक यू, आपको हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं हमें, और हमने एक एक वर्ड का जो है मीन्स भी समझा, थैंक यू।